बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। 35 साल एक तरफ और एक साल आपको एक तरफ दिखेगा। बेला की जनता है, उसने परिवर्तन का पूरी तरह से मन बना लिया है। मनोरमा जी का जीत सुनिश्चित है। सड़कों की स्थिति बेला की है, ऐसी सड़क है कहीं नहीं बिहार में, कहीं तो कुछ दाल में काला है। 5,000 के आसपास सिमट जाएंगे। बेलागंज जो सुरेंद्र यादव का गढ़ कहा जाता था, वहां से जेडीयू पार्टी ने मतलब एनडीए ने मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है। मनोरमा देवी अशोक चौधरी के बेहद करीबी माने जाते हैं और लोग कहते हैं कि अशोक चौधरी के कारण ही मनोरमा देवी को टिकट मिला। अब जो है अशोक चौधरी यहाँ अपने प्रतिष्ठा के साथ लगता है जोड़ लिया, लगातार जो है चुनाव कैंपेन में है। सर अभी जो है कई गांव से आप घूम के आ रहे हैं, विनायका विद्यापीठ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, क्या लग रहा है बेला की जनता क्या कह रही है? देखिए ऐसा है कि मनोरमा जी हम लोगों की पार्टी के स्थापित नेत्री रही हैं, दो दो बार एमएलसी रही हैं। पिछले बार भी उनको टिकट दिया गया था, अत्री विधानसभा से जीत नहीं पाई, कुछ वोट से हार गई थी। इसीलिए पार्टी के सभी नेताओं ने निर्णय किया कि मनोरमा जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए और एक सशक्त और मजबूत उम्मीदवार भी हैं यहाँ पे। घूमने में क्षेत्र में पता चलता है कि सब लोग, और बिंदी यादव जी भी, अब तो कोरोना में उनका डेथ हो गया लेकिन वो भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो पहले से इनका बेस यहाँ बना हुआ है और हम लोग सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता सब लोग प्रयासरत हैं। ये नहीं है कि सिर्फ अशोक चौधरी ही चाहते हैं, पूरी पार्टी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक अभिराम शर्मा जी सहित जितने लोग हैं, पूरा उन्होंने ताकत झोंका है, क्योंकि माननीय नेता नीतीश कुमार ने 18-19 वर्ष में बिहार में बहुत काम किया है और 35 साल से ये विधानसभा आरजेडी के कोटे में है और आरजेडी से सुरेंद्र यादव जी को उम्मीदवार जिताते रही है। लेकिन हम लोगों ने जो देखा है, हमने वादा कर रहे हैं लोगों से कि 35 साल का काम एक तरफ और एक साल का काम आने वाले समय में एक तरफ दिखेगा। अगर आप माननीय नेता नीतीश कुमार के उम्मीदवार को चुनाव जिताते हैं और हमारे जो तीर छाप पर जो उम्मीदवार मनोरमा जी खड़ी हैं उनको अगर आप जिताते हैं तो निश्चित रूप से हम पूरी ताकत, बिहार सरकार जो बिहार में पूरे विकास का ब्यार जो बहा है, जो 22,000 करोड़ के बजट से बिहार को 2,80,000 करोड़ बनाया है नीतीश जी ने, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इस बेला के विधानसभा में भी आने वाले एक साल में दिखेगा। और हमारे समझ से जो बिहार बेला की जनता है, उसने परिवर्तन का पूरी तरह से मन बना लिया है और किसी भी, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब में ये मैसेज है कि नीतीश जी ने बहुत काम किया है। नीतीश जी को अभी और आने वाले समय में इनको ताकत देने की जरूरत है, इसीलिए हमें लगता है कि मनोरमा जी का जीत सुनिश्चित है। सर लोग कहते हैं कि सुरेंद्र यादव सीधा फाइट में चुनाव नहीं हारते हैं, आप जो है कई दिन मेला के क्षेत्र में रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार जो है उनका गढ़ फतह होगा? 100% हम लोग जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और इस बार सुरेंद्र यादव जी के बेटे को सुरेंद्र जी ने उम्मीदवार बनाया, खुद तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, तो हमें नहीं लगता है कि जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है और इस बार ये बेलागंज जनता दल यूनाइटेड एनडीए के खाते में आ रही है, ये ऐसा आभास लग रहा है। हम अपनी पूंजी पर लड़ रहे हैं, हम अपने नीतीश कुमार के कार्यकलाप, कार्य करने की शैली, बिहार, बदलते बिहार का जो उन्होंने नक्शा बनाया उस पर, और अपने उम्मीदवार पर। एक महिला नेत्री हैं, दो दो बार एमएलसी रही हैं, उनको अपना एक अनुभव है काम करने का, उसके बदौलत हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि जनता हमारे पक्ष में मतदान करेगी। अभी सर संबोधन में आप कह रहे थे सर कि कई गांव में गए जहां पुल नहीं है, सड़क नहीं है, मतलब बेला की स्थिति जो है जर्जर है। नहीं, जो जैसे हम जिस तरह की जो सड़कों की स्थिति बेला की है, ऐसी सड़क है कहीं नहीं बिहार में। आपने तो सरकार ने योजना दिया, ये जनप्रतिनिधि का काम है कि सजग होकर उसको गुणवत्तापूर्ण काम कराए, लेकिन क्या कारण रहा कि टूट गया, ना आपने कंप्लेन किया ना कुछ का, तो कहीं ना कहीं तो कुछ दाल में काला है, दाल में कुछ काला है। लेकिन हम आपको यही, हमने जनता से कहा है कि आप 35 साल एक तरफ और एक साल आपको एक तरफ दिखेगा। एक आखिरी सवाल है सर, जन सुराज जो है वो भी उम्मीदवार हर जगह पर उतारी है, बेला में भी चुनाव लड़ रहे हैं, सब 5,000 के आसपास सिमट जाएंगे।